क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर सैंडिस कंपाउंड में इस बार कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते तीसरे साल भी गणतंत्र दिवस रहा फीका। 73वां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को सैंडिस कंपाउंड में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए समारोह का आयोजन किया गया। यहां कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा ने ध्वजारोहण किया। आयुक्त प्रेम सिंह मीणा के अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC प्रतिभा रानी, SSP बाबूराम, CT SP महापौर सीमा शाह, उमेश शर्मा एवं अन्य विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं उद्घोषक के रूप में विजय मिश्रा थे। कार्यक्रम की शुरुआत में परेड कार्यक्रम किया गया। वहीं पैरेड का नेतृत्व विधि व्यवस्था DSP डॉ. गौरव कुमार कर रहे थे। बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय गान कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों की कमी दिखी। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कमिश्नर प्रेम सिंह मीणा ने अपने संबोधन में जिले में चल रही सरकार की कई योजनाओं को प्रस्तुत किया। समारोह में BMP और DAP महिला व पुरुष सिपाही परेड कार्यक्रम में भाग लिए। वहीं बच्चे इस बार परेड में हिस्सा नहीं ले सके। परेड में कुल 6 भाग में आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। जिनके व्यक्तित्व की अपनी एक अलग खुशबू है, कहते हैं कि तपती हुई कड़ी है जनता। शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिलावासियों की ओर से मेरा हार्दिक नमन समर्पित है। आप सभी आगंतुकों, माननीय अतिथियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। हमारा ये पुनीत कर्तव्य और दायित्व है कि हम सब मिलकर अपने गौरवशाली परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा और सहयोग से इस देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और अधिक ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से सहयोग एवं सहभागिता का दृढ़ संकल्प लें। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्रधर्म है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हम लोगों ने अनेक क्षेत्रों में विकास किया है। आज हम लोग लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं। एक समय था जब हम लोग अनाज एवं देश की सुरक्षा के लिए हथियार दूसरे देशों से आयात करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन आज उसके ठीक विपरीत, आज हम अनाज के मामले में तो आत्मनिर्भर हैं ही, देश की सुरक्षा के लिए भी हम दूसरे देशों पर आश्रित नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने अत्यधिक प्रगति की है। हमें उस ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जाना है जहां से हम विश्वगुरु के रूप में अपनी प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त कर पाए। तो जिला भी अपनी कर्मठता एवं जागरूकता जन सहयोग से गतिमान है। कुछ क्षेत्रों में विकास के पैमाने जो भगतपुर जिला ने छुए, आप सबके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। लोक सेवाओं से शुरू करें तो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जाति, आय, आवासीय, भू स्वामित्व, पेंशन आदि विभिन्न सेवाओं का लाभ आमजनों को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2021 में RTPS के तहत 9,74,429 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 9,57,783 यानी 18.29% आवेदन निष्पादित किए गए हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर नवगछिया SDM ने किया झंडोत्तोलन, परेड का आयोजन। नवगछिया अनुमंडल में 73वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया।
बुधवार को आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर नवगछिया अनुमंडल के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया गया और मौके पर सलामी दी गई। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर 8 बजे एवं अनुमंडल कार्यालय में 9:05 पर अनुमंडल पदाधिकारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार भी मंच पर उपस्थित थे। वहीं गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में नवगछिया पुलिस जिले के महिला एवं पुरुष सिपाही के अलावा एनसीसी के छात्र शामिल हुए। परेड का निरीक्षण एसडीओ व एसडीपीओ ने किया। कार्यक्रम में मंच संचालन शिक्षक वरुण बाबुल कर रहे थे। वहीं राष्ट्रगान की नवगछिया के रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुति दी। गणतंत्र दिवस समारोह में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बहुत कम ही लोग शामिल हुए। मौके पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के अलावा कई गणमान्य उपस्थित थे। नवगछिया पुलिस लाइन में नवगछिया एसपी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने पुलिस जिलावासियों और पुलिस कर्मियों को संबोधित भी किया एवं विगत वर्ष व माह में नवगछिया पुलिस को मिली उपलब्धि के बारे में भी चर्चा की। व्यक्तियों को मेरी तरफ से सर्वे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिल रहा है। मेरी बचपन की यादें जो गणतंत्र दिवस से जुड़ी है, स्कूल में मनाते थे हम, इन्हीं बच्चों की तरह मनाते थे और उससे लेके आज तक का सफर कोई भी साल ऐसा नहीं छूटा होगा जब हमने गणतंत्र दिवस नहीं मनाया होगा। गणतंत्र की जो कल्पना हमारे 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर TMBU में प्रतिकुलपति ने किया ध्वजारोहण। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर प्रतिकुलपति रमेश कुमार ने तिरंगा ध्वज को फहराकर सलामी दी। प्रतिकुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें सभी शहीदों को जरूर याद करना चाहिए जिसके चलते हमें आजादी मिली और हमारा देश आजाद हुआ, और साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। बताते चले कि हर वर्ष विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता था, परंतु कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुल सचिव, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, CCDC के अलावा सभी पदाधिकारी एवं विद्यालय कर्मी मौजूद थे। भागलपुर में RRB NTPC छात्रों का स्टेशन चौक पर आज हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। भागलपुर रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए नाराज छात्रों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने भागलपुर के स्टेशन चौक पर आज शांतिपूर्ण आंदोलन किया। साथ ही साथ आगामी 28 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान किया। राजधानी पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारी छात्रों ने अहले सुबह स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सभी गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की भी मांग की। गणतंत्र दिवस के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद सुबह बड़ी संख्या में छात्रों ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर आंदोलन शुरू कर दिया। बहरहाल रेलवे बोर्ड ने छात्रों के सामने नतमस्तक होकर उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव मान लिया है। हम अपना अधिकार मांगते हैं। छात्रों पे हमला क्यों? मोदी जवाब दो। मांगना छात्रों पे हमला क्यों? नरेंद्र मोदी जवाब दो। मोदी जवाब दो। धांधली नहीं चलेगा।
धांधली बदांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदा पोर, कटानी एकता जिंदा पोर, लड़ाई जिंदा पोर, लड़ाई जिंदा पोर, मोदी मुद्दा पोर। लाइव है क्यों प्रदर्शन कर रहा है? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे की बहाली जो क्यों प्रदर्शन कर रहा है? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे की बहाली जो निकली थी 2017 में उसकी 19 में उसकी एग्जाम का डेट घोषणा हुआ ग्रुप डी का, उसमें डबल पेटेंट किया गया उसके खिलाफ में। अभी 15 तारीख को रिजल्ट हुआ एनटीपीसी का, उसमें बड़ी तरह से धांधली है और पैटर्न एग्जाम के टाइम में चेंज किया गया उसके खिलाफ में हम लोग हैं। और जितने भी केंद्र सरकार या बिहार सरकार की बहालियां जो वैकेंसी सीट है उसको भरने की मांग है कि पूरे वैकेंसी को भरा जाए, जितना भी सीट खाली है पूरे शिक्षक कर्मचारी रेलवे हो बिहार सरकार हो केंद्र सरकार की बहाली हो उसको भरा जाए, इस मांग को लेकर। और जो पटना गया मुजफ्फरपुर बक्सर में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, हैदराबाद में जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर पुलिसिया जो दमन जो कर रही है छात्रों को गिरफ्तार कर रही है रोज से मार रही है छात्रों को, इसके खिलाफ में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। आज सांकेतिक तिरंगा यात्रा निकाले हैं, 28 तारीख को पूरा भारत बंद होगा, पूरा रेल चक्का जाम होगा और इस पूरे छात्र एकता के साथ हम लोग सड़कों पर रहेंगे जब तक ले सरकार पूरी वैकेंट सीट को भरती नहीं है और छात्रों को रोजगार। नगर निगम भागलपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महापौर निफीता काचकर पार्षद कक्ष का किया उद्घाटन। भागलपुर नगर निगम में आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्षद कक्ष का उद्घाटन महापौर सीमा शाह ने किया। कई वर्षों से पार्षदों को इसका इंतजार था, आज वो पूरा हुआ। महापौर ने कहा कि 26 जनवरी का दिन बहुत शुभ है और आज पार्षद कक्ष का उद्घाटन हो रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। साथ ही उप महापौर राजेश वर्मा ने देशवासियों को अपने इस नगर निगम के कार्यकाल के अंतिम गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही अपने चरम पर है। आज लड़ाई लड़ने का नतीजा है कि 450 करोड़ की योजनाओं का लाभ भागलपुर के 51 वार्ड्स को मिला। वहीं राजेश वर्मा ने कहा कि पार्षद कक्ष के बाद बहुत दिनों से चल रही थी, आज उसका विधिवत उद्घाटन किया गया, अब पार्षद स्वतंत्र रूप से इस कक्ष में बैठ सकेंगे। आज के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महापौर की अध्यक्षता में पार्षद कक्ष का उद्घाटन किया गया। मीडिया को बताते हुए उपमहापौर ने कहा कि अब महापौर उपमहापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इस पर भी टिप्पणी करते हुए राजेश वर्मा ने खुशी जाहिर की और कहा कि पदाधिकारी के ऊपर भी दबाव बनाने में वो सक्षम व मजबूत रहेंगे, कार्य प्रगति से होगा। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर किया झंडोत्तोलन, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद विधायक अजीत शर्मा केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं को तोड़ने का काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ 398 व्यक्ति भी थे जिसमें 15 महिलाओं की भी भागीदारी थी, परंतु लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को याद करना चाहिए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता और ना ही उन्हें सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। झंडोत्तोलन के दौरान स्काउट गाइड की छात्राएं मौजूद रहीं। कातारपुर थाना द्वारा भागलपुर एकेडमी ऑफ कराटे एंड जूडो क्लब के निर्देशक कोच व खिलाड़ी को किया सम्मानित। 26 जनवरी के मौके पर तातारपुर थाना द्वारा भागलपुर एकेडमी ऑफ कराटे एंड जूडो क्लब जिसके डायरेक्टर मोहम्मद मसीउल ओला उर्फ छोटू और उनके सभी मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित में स्टेट प्लेयर्स शाहीना हमदामी, कशिफा खानम, फखरून निशा, नेशनल प्लेयर्स नजराना नाज और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लेयर्स तंजिमा तबस्सुम और सादगी जूनियर कोच सेंसई बाल्मीकी कुमार को रेफरी बी पद लाने पर और अंतर्राष्ट्रीय कोच साथ ही चीफ इंस्ट्रक्टर और रेफरी में पद ए मिलने पर तातारपुर थाने द्वारा रहे दिल से सम्मानित किया गया। सम्मानित में तातारपुर थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ अख्तर, प्रतिमा कुमारी, राजीव रंजन, मनोज कुमार, रॉबिन पांडे और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य और जिले के साथ साथ अपने तातारपुर थाना और अपने समाज का नाम रोशन करती रहें
और सभी लोगों ने आशीर्वाद के साथ साथ सहयोग करते रहने का आश्वासन दिया। इसकी पूर्ण रूप से जानकारी कराटे कोच सेंसेई मोहम्मद मसीउल ओला उर्फ छोटू ने दी। भागलपुर में बालू ओवरलोड ट्रक ने पुलिस जिप्सी को कुचलने का किया प्रयास, जाबाज इंस्पेक्टर ने कई किलोमीटर खदेड़ कर ट्रक किया जब्त। भागलपुर में मंगलवार को बालू लदे एक ओवरलोड ट्रक को पकड़ने में पुलिस ने जमकर पसीना बहाया। यही नहीं, इस ट्रक को पकड़ने के लिए नाथनगर के इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक का पीछा किया और बड़ी मशक्कत के बाद बाईपास टीओपी क्षेत्र में ट्रक के साथ उपचालक को इंस्पेक्टर ने दबोचकर बाईपास टीओपी पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं संबंध में इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि उक्त बालू लदे ओवरलोड ट्रक को पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र में रोका था, लेकिन ट्रक का उपचालक बालू लदे ट्रक को लेकर वहां से फरार हो गया। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि बालू लदे ओवरलोड ट्रक से पुलिस जिप्सी को भी कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर हबीबपुर थाने की पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन इससे पहले ही इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने अपने बुलंद हौसलों से सिंघम अवतार में पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। बीगनपुर के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर के घर से हुई लाखों की चोरी। भागलपुर के ईशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर स्थित बढ़ई टोले के रहने वाले होम्योपैथिक के डॉक्टर अशोक कुमार के खाली घर में देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। 4 लाख से अधिक की चोरी कर चोर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि उनका 2 मकान है। कल शाम वो लोग दूसरे घर पर गए हुए थे और यहाँ ताला बंद कर दिया था। सुबह जब ये लोग आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि 1.5 लाख रुपए कैश थे। वहीं बच्चे की शादी के लिए जमा किया गया गहना भी चोर साथ ले गए। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी देख रही है। नवगछिया प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने फहराया झंडा, दी तिरंगे को सलामी। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने कहा कि नवगछिया प्रखंड का विकास पूर्व में भी हुआ है और बचे हुए कार्य को इस पंचवर्षीय में पूरा किया जाएगा और कई तरह की योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। वहीं मौके पर नवगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा कई पदाधिकारी, प्रखंड कर्मी के अलावा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस पर गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत के मुखिया मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह ने डुमरिया गाँव में स्थित पंचायत भवन में झंडोत्तोलन किया एवं तिरंगे को सलामी दी। वहीं मौके पर कई अन्य उपस्थित थे।